नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है किसी भी मॉलिक्यूल का? तो मॉलिक्यूलर मास से क्लियर है, ये हमेशा मॉलिक्यूल का निकलेगा और उसका मास क्या होता है वो उसको रिप्रेजेंट करना है, क्या होता है उसको हम लोग को निकालना है इसमें। तो इसके अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टांस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टांस। तो कोई भी मॉलिक्यूलर मास क्या होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उस मॉलिक्यूल में उसमें जितने एटम्स हैं उसका एटॉमिक मास को अगर हम लोग सम कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। एटॉमिक मास आप लोग को कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा चुका हूँ पिछले 3 लेक्चर पीछे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर का फॉर्मूला लिखना हम लोग पिछले वीडियो में सीख गए हैं, H2O, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम का मास और ऑक्सीजन का जो मास होता है एटॉमिक मास, वो तीनों को अगर हम लोग सम कर देंगे, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, तीनों को सम कर देंगे, तो वो हमारा जो मास का वैल्यू आएगा वही मॉलिक्यूलर मास होगा वाटर का, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर होगा। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास दोनों बोल सकते हैं। वाटर का निकालना है, H2O का निकालना है, जिसका फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं कैसे लिखते हैं H2O, ठीक है। अब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 1U, 1 यूनिट होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 16U होता है, ठीक है। एटॉमिक मास वाला नहीं समझ में आया तो एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट आप देख लीजिएगा, लेक्चर उसमें दिया हुआ है। ये दोनों का लिख लिए, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो 2 × 1 कर देंगे, 1 यहाँ पे आ गया और 2 एटम इसका, तो 2 × 1 कर दिए, 1:16 कर दिए, 1 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो 1 और 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, तो 16 और प्लस 2 हो गया 18, तो 18 इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वाटर का। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, नाइट्रिक एसिड की बात करें, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है। तो इसमें एक एक करके देखते हैं, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, एटॉमिक मास, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास पे आते हैं इसमें, तो हाइड्रोजन कितना है 1 है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 हो गया, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 1 ही है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, ठीक है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का 1 14 हो गया नाइट्रोजन का, और 16 × 3 हो गया 48 यहाँ पे ऑक्सीजन का, ठीक है। और तो 48, 14 और 1 तीनों को जोड़ देंगे, 63 यूनिट आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास की। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, मॉलिक्यूलर में एटॉमिक मास अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मॉलिक्यूलर मास भी समझ में आएगा। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास की। तो फॉर्मूला यूनिट मास मॉलिक्यूलर मास के जैसा ही होता है, सेम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। बस डिफरेंस इस बात का हो जाता है कि जो जो आयोनिक कंपाउंड है उसका ही फॉर्मूला यूनिट मास निकलेगा, बाकी का नहीं निकलेगा। मतलब कि जिसमें आयंस बनते हैं उसका ही एटॉमिक मास निकलेगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला यूनिट मास इज द सेम एज मॉलिक्यूलर मास, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सबस्टांस विच कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर आयंस। तो उसमें अगर आयंस है तो उसका फॉर्मूला यूनिट मास होगा, नहीं है तो नहीं होगा, उसका सिंपल मॉलिक्यूलर मास होगा एटॉमिक मास जो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास वो होगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास होगा। सुगर एग्जांपल ले ले तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आयंस नहीं होते, इस कारण से उसका फॉर्मूला यूनिट मास नहीं बनता, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2 इसका फॉर्मूला होता है। कैल्शियम क्लोराइड का हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे, सेम होता है जो एटॉमिक मास यूनिट के जैसे निकालते हैं तो वैसे निकालेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 हो गया, और 2 है क्लोरीन का, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, 2 × 35.5, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, 40 + 2 × 35.5, 40 + 41, इसको डबल कर दिए, 2 × 35 = 71 आ गया यहाँ से ये, ठीक है, और 40 ये ले लिए, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, 111 यूनिट, मतलब 111 यूनिट इसका फॉर्मूला यूनिट मास हो गया। अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन बनाते हैं। मॉलिक्यूलर मास हम लोग को कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथीन और अमोनिया का, फिर मिथाइल हाइड्रोक्साइड का, मतलब कि अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल का। तो इन सब का मॉलिक्यूलर मास हम लोग को कैलकुलेट करना है, सिंपल सा है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और अपने कॉपी पेन में
कॉपी पेन से आप इसको बनाइए। मैं इसका वाला जो मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, इसका मैं बना फिर बता देता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यहाँ पर तीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन ये डबल है, तो इन तीन एलिमेंट है, तीनों का पहले हम सबसे पहले ये तरीका, इस तरीका से आप अगर बनाएंगे इसी प्रोसेस से तो नंबर एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं कटेगा, प्रॉपर इसमें डिस्क्राइब करके बनाओ आप, तरीका इसी को फॉलो कीजिए, शॉर्टकट अभी मत लगाइए, शॉर्टकट लगाने के लिए तुरंत बन जाएगा, लेकिन इस तरह से लिख के बनाने से आपको नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा, भले ये कितने नंबर में है, एक नंबर में है, दो नंबर में है, लेकिन आपको प्रॉपर लिख के बनाना है इसी तरह से। तो एटॉमिक मास कार्बन कितना हो गया 12, ठीक है जानते हैं, ऑक्सीजन है 16 यूनिट, हाइड्रोजन का 1 यूनिट। ठीक है, अब नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, कार्बन कितना है एक ही है, हाइड्रोजन कितना है तीन इधर और एक इधर, चार है, ऑक्सीजन एक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH3OH 12 हो गया कार्बन का, हाइड्रोजन चार है, तीन एक ये चार, चार इंटू वन, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन का 16, ठीक है यहां से ले रहे हैं, तो 12 प्लस 4 प्लस 16 मिला के हो जाएगा 32 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में।